हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके कार लाल छोड़ में एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो, ये गाड़ी है ना, मैं आपको बता देना, यह है मारुति ओमनी। ये अचानक चलती चलती बंद हो गई थी। तो चलती चलती बंद हो गई तब क्या हो रहा था, इसकी ये लाइट गायब हो गई थी, तो ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हमारे भाई है वायरिंग वाले भाई, इन्होंने इस गाड़ी के 3 दिन हो गए। देखो इस गाड़ी को आज मैं तीसरे दिन में हाथ लगा रहा हूँ, यानी 3 दिन बाद मैं चेक कर रहा हूँ, वरना ये कर रहे थे। तो देखो पहले तो इसकी लाइटें नहीं आ रही, तो ये लाइटें जो भाई ने बुलाई ना उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। देखो किस चीज़ से, मतलब आपको भी ताकि फ़ायदा हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी रात को ला के खड़ी करी और आपने सुबह यूँ चाबी ऑन करी और आपको ये दोनों लाइटें नहीं दिखाई दे रही है ना, तो उसके लिए आपको कौन सा फ्यूज चेक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर कभी आपके साथ हो तो दोस्तों आप लोग भी अपनी गाड़ी का कर सको। देखो इसमें ये दो फ्यूज लगे हुए हैं, देखो दोस्तों, एक ये रहा और एक ये रहा ऊपर। एक मिनट टॉर्च जला लेता हूँ मोबाइल की ताकि आप लोग आसानी हो जाए। हाँ देखो, एक तो ये रहा है ना, एक ऊपर है और एक नीचे। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये आपका उन्हीं लाइटों का। देखो चाबी चालू है, देखो अब मैं वो फ्यूज हटाऊंगा ना, जैसे ही मैं फ्यूज हटाऊंगा तो देखना लाइटें गायब हो जाएंगी। ये आप लोग देखते रहो, देखो ये, अरे हट जा, वो टाइट है। ये देखो ये हट गया, ये मैंने फ्यूज निकाल लिया और लाइटें गायब हो गई है। देखो तो अगर आपका कभी भी ऐसा हो कि ये दोनों लाइटें गायब है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपको ये फ्यूज चेक करना है सबसे पहले। तो खैर इसमें तो मिस्टेक बड़ी है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो कहाँ है, तो ये तो मैंने आपके लिए दिखाया। देखो इसमें पहले ये फ्यूज उड़ रहा था, तो ये नया डाल दिया भाई ने, देखो। और ये लाइटें तो आ गई लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं लगा देता हूँ एक सेकेंड। तो देखो दोस्तों, मैंने जैसे ही फ्यूज लगाया दोनों लाइट आ गई। और अगर मान लो सिर्फ ये अकेली लाइट गायब हो जाती है आपकी, मतलब ये लोक वाली तो आ रही है पर ये आ रही है, ये गायब है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो रिले है ना, ये रिले देखो दोस्तों, ये वाली रिले, इनको आपको एक्सचेंज कर देनी है। मतलब इसको इसमें लगानी है, इसको इसमें लगानी। कई बार तो क्या होता है इनकी, यानी पिन पर कार्बन आने की वजह से नहीं आती है, कई बार ये होता है ये शॉर्ट हो जाती ना, तो इमरजेंसी में क्या होता है, ये रिले आप अगल बगल करके देख लो, आपकी ये लाइट आए और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं है, देखो इसमें मिस्टेक और है। तो देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो आपको सेलअप लगा के दिखा देता हूँ। देखो लाइट वगैरह सवारी है फिर भी देखो, ये देखो अब इसमें क्या है दोस्तों। देखो पेट्रोल मोटर तो हमने चेक कर ली, पेट्रोल खूब बढ़िया आ रहा है इसमें, पर इसमें करंट नहीं आ रहा। देखो मैं सेलअप लगाता हूँ, अब इसमें करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसमें करंट की मिस्टेक, फ्यूल की कोई मिस्टेक नहीं, मतलब फ्यूल खूब आ रहा है, सिर्फ इसमें करंट की मिस्टेक है। इस तरीके से हमने चेक कर लिया भाई, करंट नहीं आ रहा। तो अब देखो ये भाइयों ने देखो इसकी वायरिंग, पूरी वायरिंग का ये काम कर दिया है ना, और ये देखो इधर से भी देखो आप, पूरी इसकी वायरिंग है ना, पूरी वायरिंग का काम किया है। ये देखो वायरिंग वगैरह सब बढ़िया, अच्छे से भाइयों ने अच्छे से काम कर दिया हमारे ने, लेकिन फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही। ये देखो यहाँ से दिखा देता हूँ, देखो वायरिंग का पूरी का काम हुआ है। देखो यानी ये वायरिंग पूरी उधेड़ कर सब चेक कर लिया, लेकिन फिर भी उनमें करंट नहीं आ रहा। प्लस पॉइंट है, अब सबको ये लगता है कि इसकी ECM खराब हो गई, लेकिन दोस्तों इसमें देखो ECM इतने जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये जो लाइट नहीं आई थी ना पहले, तो इसका मतलब फ्यूज उड़ा है। इसका मतलब फ्यूज उड़ने का रीज़न क्या होता है, फ्यूज उड़ने का रीज़न देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई कोई ना कोई छोटा मोटा लोड इधर उधर हो जाए, या फिर फ्यूज पुराना हो जाए, वो लूज हो जाए, तो उस वजह से भी उड़ जाता है, ताकि उस पर लोड पड़ जाए। लेकिन इस गाड़ी में ये मान के चलो 3 से 4 फ्यूज लगाए, चारों उड़ा दिए, फिर भाई ने वायरिंग खोली, इसको सही किया, यानी इसमें कई जगह से वायरिंग टूट रही थी, कई जगह कट लगे हुए थे उन वायरिंगों, यानी कई जगह अर्थ हो रही थी, तो सही किया। फिर उसके बाद में फ्यूज तो टिक गया, ये देखो, यानी फ्यूज नहीं उड़ा रही गाड़ी। लेकिन अब ये गाड़ी में ये मिस्टेक है कि स्टार्ट नहीं हो रही, तो अब स्टार्ट नहीं हो रही का मतलब है इसका अंदर कहीं ना कहीं वायरिंग में मिस्टेक है। तो वायरिंग को हम देखो यहाँ से लेके, यानी नीचे से लेकर, और ये पूरा डैशबोर्ड के अंदर की वायरिंग है ना, जो तो भाई ने पूरी रिपेयर कर दी, भाई बोल रहा है खूब अच्छे से रिपेयर कर दी। ये देखो नट के ऊपर निशान भी देख लो आप लोग, ये खोले गए नट है, अभी हाल ही में खोले हैं, 3 दिन से गाड़ी में लग रहे हैं भाई वायरिंग वगैरह में इनमें। और यहाँ भी की भी वायरिंग, पूरी इंजन की वायरिंग को भी चेक कर लिया इन्होंने, रिपेयर भी कर दी, मैं देखो सारी वायरिंग वगैरह ये सब, ये देखो सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तब हम लगते हैं इसमें, तो दोस्तों देखो इसकी वायरिंग है प्रॉब्लम, वायरिंग में, तो मैं पहले इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम ढूंढ लेता हूँ, देखो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्रॉब्लम जैसे ही मेरे को मिलती मैं वीडियो बना दूंगा, तो पहले मेरे को काफ़ी टाइम लगा है इसमें, इसलिए मैं भी ढूंढ लेता हूँ पहले वायरिंग, और आप लोगों को जरूर बताऊँगा, ताकि आप लोग भी इस तरीके से अपनी गाड़ी की वायरिंग चेक कर सको। भाई छोटी मोटी जैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही, लाइट नहीं आ रही कर रही, और आपको कोई बता भाई ECM खराब है, इसमें 10-20 हज़ार का खर्चा है,
तो उस जगह पर आपको इस तरीके प्रोसेस पे चेक करना है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, देखो यहाँ की वायरिंग कंप्लीट है, यहाँ की वायरिंग भी कंप्लीट है। अब ये इंजन के पीछे से लेके और यहाँ से लेकर जो नीचे से वायरिंग जा रही है उसको मेरे को स्कैन करना है, तो मैं स्कैन कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो यानी काफ़ी बुढ़ने के बाद, यानी काफ़ी परेशान होने के बाद में अब हमको वायरिंग का फॉल्ट मिला है। ये देखो इसकी ये वायरिंग जा रही है ना, ये वायरिंग इंजन के वहाँ से भी जा रही है और यहाँ से भी आ रही है। अब आपको दिखाता हूँ देखो क्या हो रहा है इसमें। देखो ये वायरिंग, ये आप अच्छे से देख पाओगे शायद, एक सेकंड में इसकी क्लिप में से भी निकाल लेता हूँ अच्छे से। ये रहा इसमें फॉल्ट, देखो ये 8-12। अब ये देखो ये रहा इसमें फॉल्ट, ये वायरिंग यहाँ से जल चुकी है इसकी। ये देखो ये जल रही है, शॉर्ट हो रही है, देखो चारों तरफ से वायरिंग शॉर्ट हो रही है। देखो ये देखो अच्छे से निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो काफ़ी यानी अच्छे से यानी डीपली स्कैन करने के बाद में मिला है देखो ये फॉल्ट। ये देखो ये वायरिंग जल गई और जल कर देखो एक हो गई, ये मिल गई देखो। ये देखो अब ये जली क्यों, ये क्या धीरे धीरे गाड़ी जैसे पुरानी हुई तो धीरे धीरे पाइप ना लोहे का ये पाइप इसके अड़ने लग गई। और ये पाइप क्या है दोस्तों, गर्म होता है क्योंकि इसमें पानी आता है इंजन का, ये पाइप गर्म होता है जिससे ये वायरिंग अड़ अड़ के इसमें अड़ के और इसमें अर्थ हो गई लोहे पर, जिससे इसमें यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया और ये पूरी वायरिंग जल के पिघल गई और आपस में मिल गई, जिससे इस गाड़ी में यानी जो करंट की सप्लाई है ना ECM से वो बंद हो गई और ये गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई। तो देखो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी और इतने मोटे मोटे खर्चे हो गए गाड़ी में, तो ये देखो ये जरा सी प्रॉब्लम निकली। अब देखो ज़्यादातर वायरिंग यहीं से अर्थ क्यों होती है क्या, जब धीरे धीरे गाड़ी पुरानी हो जाती है तो किल पे लूज हो जाती है और वायरिंग लटकने लग जाती है, तो लटक लटक के लोहे के अड़कर अर्थ हो जाती है और फिर इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखो पूरी वायरिंग में बहुत बुरी चिपक गई है वायरिंग है, तो इसको अब रिपेयर करवाते हैं हम, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी लेकिन कितना टाइम लग गया, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब इस जगह पर क्या है पता, फ्रॉड क्या हो जाता है इस जगह पर आप लोगों के साथ, मतलब नुकसान क्या हो जाता है, मतलब छोटे प्रोसेस को यानी ढूंढा नहीं जाता, सबसे पहले आपका मोटा मोटा काम करके देख लिया जाता है। हाँ भाई ECM चेंज करके देख ली, रिले चेंज कर ली, वायरिंग नई डाल के देख लेते हैं, तो ये चीज़ों से दोस्तों बचने का ये है भैया, पहले आप अच्छे से डीपली स्कैन कराओ गाड़ी को। अब देखो मैंने इसको काफ़ी देर ढूंढा है, देखो मैंने भी जब जाकर मेरे को पता चला भाई वहाँ पर फॉल्ट है, तो अब ये एक फॉल्ट था छोटा सा लेकिन अब इसमें कितना काम हो गया, इसकी वायरिंग भी हो गई, ये सब हो गया, तो ये फालतू पैसा लग गया। देखो मेरा मैं यही कहता हूँ, ये सारा पैसा फालतू लग गया। और अभी जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये लोग इस जैसे जो मेरा भाई वायरिंग वाला है, अगर ये ECM भी मंगवा के डाल के देख लेता तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो ECM का पैसा ही फालतू लग जाता। लेकिन उससे पहले मैं आ गया तो मैंने इसको चेक किया तो मेरे को नीचे छोटा सा फॉल्ट मिला है। तो चलो दोस्तों उस फॉल्ट को क्लियर करते हैं पहले, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखो अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही स्टार्ट, देखो ये देखो ये देखो, अब वो वायरिंग को सही करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी प्यारी स्टार्ट होगी। दोस्तों ये देखो वायरिंग को पूरी को उधेड़ कर और पूरे वायर के जो जो जॉइंट थे ना वो सारे कर दिए गए हैं। और देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें सप्लाई क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें क्या है जो क्रेन का जो वायर है ना, यानी क्रेन सेंसर का जो वायर, वो यानी जड़कर अलग ही हो गया था, इसलिए उसमें यानी प्लगों में करंट नहीं आ रहा था, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब देखो भाई अच्छे से यानी मजबूत वाली टेप लेकर, यानी जो हीट को सह सके ना वो वाली टेप लगा रहे ताकि बढ़िया हो जाए। ये देखो कर दे बढ़िया पेक है ना, देखो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी अब ये भाई कर रहा है। अभी सिर्फ ये मान लो 10 मिनट लगी है ना सिर्फ ढूंढने में, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था मेरे को, बाकी रिपेयर करने में 10 मिनट लगी है, ये छोटी सी चीज़ थी। अब ये देखो शायद मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा दूँ, गाड़ी स्टार्ट कर लूँ ना एक बार, देखो अब ये देखो एक हाफ चाबी में गाड़ी स्टार्ट। अब जो चेक इंजन लाइट है पता है क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों आफ्टर मार्केट गैसकेट लगा हुआ है, तो उसकी वजह से देखो ये एक्स्ट्रा जो वायरिंग लगती है ना, ये देखो ये यहाँ पर इंजेक्टर पे, इस वजह से लाइट आ जाती है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम थी क्या दोस्तों, अब इस छोटी प्रॉब्लम को देखो कई जगहों पर, मैं ये नहीं कहता सभी जगहों पर ऐसा होता है, कई जगहों पर ये होता है कि इन चीज़ों के बदले में आपसे ECM भी चेंज कर ली जाती है और भी बोल दिया जाता है भैया इसकी वायरिंग खुलेगी आप छोड़ जाओ इसको, इसमें ECM भी डल सकती है, मोटा खर्चा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सब जगह होता है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा हो जाता है, मेरे पास कंप्लेंट है इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, और इस तरह आप लोगों को मोटा खर्चा देना पड़ जाता है। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है ना, चलो मैं एक ही चीज़ है ना इसी चीज़ को आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों के साथ में ऐसा कब कब हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम छोटी सी थी लेकिन मोटा पैसा ले लिया गया, कमेंट करके बताओ दोस्तों मेरे को किस किस के साथ ऐसा हुआ है। तो चलो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब कंप्लीट करते हैं फिर आपको दिखा देता हूँ
स्टार्ट करके एक और बार कंप्लीट कर लेते हैं पहले पूरा। तो ये हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट है अच्छे से, देखो अब स्टार्ट करता हूँ। अच्छा बैटरी का तार नहीं लगा अच्छे से, एक मिनट में लगा देता हूँ। तो दोस्तों बैटरी का तार लगा दिया अच्छे से, अब ये देखो गाड़ी स्टार्ट। अब पता है देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ही छोटी। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके साथ गाड़ी घर पर बंद हो गई, अब आपको चेक क्या करना है, वो प्लग वायर जैसे मैंने उसमें सेल्फ लगा के देखा ना उसमें करंट नहीं आ रहा, वो चेक करना है सबसे पहले। अगर उसमें करंट आ रहा है गाड़ी में तो फिर आपको चेक करना फ्यूल की सप्लाई। देखो ये प्रोसेस है, मतलब फ्यूल है ना उसकी सप्लाई चेक करनी, यानी ये जो पाइप है ना यहाँ से हटाने का। मैं एक सेकेंड ये खुली होते हुए दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये जो पेट्रोल पाइप है ना, ये पेट्रोल पाइप इसको हटा के और चाबी को यानी कि इसको अंगूठे से यूँ दबा लेना यूँ, और फिर यूँ चाबी ऑन करके देखना है। चाबी ऑन करने पर उसमें फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर उसमें भी फ्यूल आ रहा है और करंट भी आ रहा है ना, तो आपको सबसे पहले इंजेक्टर की वायरिंग वगैरह ये चेक करनी है सिंपल सा। अगर ये सारी लाइटें आ रही हैं तो, अगर ये सारी लाइटें आ रही हैं उसके बावजूद भी आपके करंट नहीं आ रहा, तो आपको वायरिंग का चेक करना है, चेक करवाना है। मतलब छोटे छोटे प्रोसेस हैं, छोटे छोटे कराना है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये लाइटें नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, ये फ्यूज और ये रिले चेक करनी है सबसे पहले। यहाँ से जो फ्यूज है ना मैंने बताया वो, और एक रिले चेक करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप खुद अपनी गाड़ी को घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, बट ढूंढने की बात होती है दोस्तों। अब मैंने प्रोसेस आपको दिखा दिया, वहाँ पे भी आपको चेक करना कहीं पे धीरे धीरे अड़त हो, यानी धीरे धीरे भिड़ भिड़ के कहीं अड़त तो नहीं होगी, या और कहीं भी चेक करना और कहीं वायरिंग अड़त तो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों यानी ये छोटी जो प्रॉब्लम है ना इनको आप घर पर ही सॉल्व कर सकते हो छोटी छोटी तरीकों। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। और ये देखिए गाड़ी बढ़िया स्टार्ट है, बढ़िया जग गाड़ी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दोस्तों मैकेनिकल गाड़ी में, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आप जवाब दूंगा, आपको अपने नंबर दूंगा, आपकी जितनी हो सके मुझसे मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी बेहतरीन होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी जो आपके फायदे की होगी, जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी मैकेनिकल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।